उत्तर भारतीय संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह का यह देखिए बोरीवली के प्रबोधन का ठाकरे नाट्य गृह में बोरीवली शाखा के तरफ से भव्य सार्वजनिक सत्कार किया गया। इस मौके पर कई दिग्गज राजनीतिक हस्तियां मंच पर उपस्थित होकर संतोष आर्यन सिंह को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह आगे उत्तर भारतीय संघ की सेवा करते रहें। इस मौके पर संतोष आर्यन सिंह ने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने और समाज के लिए हर संभव मदद करने का वचन दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं बोरीवली के प्रबोधन का ठाकरे नाट्यगृह में। हमारे साथ उत्तर भारतीय संघ के युवा अध्यक्ष हैं माननीय संजय सिंह जी। यहाँ पे उत्तर भारतीय संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष सिंह जी का सत्कार समारोह रखा गया है बोरीवली शाखा की तरफ से। भारी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। संजय सिंह, आपसे हम जानना चाहते हैं उत्तर भारतीय जो संघ है युवाओं को किस तरह से जोड़ने का काम करेगा संगठन में आगे आने वाले दिनों में? सर्वप्रथम मैं आपको गुड़ी पड़वा की सभी उत्तर भारतीय समाज और हिंदी भाषी समाज और सभी लोगों को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय आर्यन सिंह जी ने जो उत्तर भारतीय संघ का सपना देखा था कि मुंबई शहर में उत्तर भारतीयों का एक अस्तित्व बने, वो अस्तित्व आज उत्तर भारतीय संघ भवन के मार्फत पूरा हुआ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आर्यन सिंह जी ने एक सपना देखा था कि शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। आज आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारा एक स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है। जैसे संतोष सिंह जी ने बताया कि MMR रीजन में आम आदमी के बीच हमको सुविधा पहुंचाना है और ये सुविधा हम पहुंचा रहे हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में हमारा एक स्कूल चलता है जहां गरीब तबके के जैसे रिक्शे वाले, खुमचे वाले, ऐसे बच्चों को हम निशुल्क एडमिशन देते हैं। जो शैक्षणिक क्षेत्र में कॉलेज चलता है, ये बहुत बड़ा हमारा उत्तर भारतीय समाज का सहयोग है। और साथ ही जहाँ अपने युवाओं को जोड़ने की बात की, आज उत्तर भारतीय संघ हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय समाज की प्रतिनिधि संस्था है। आज पूरे मुंबई शहर में हेमंत पांडे जी जो बोरीवली शाखा के तेज तरार अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक शुरुआत की, हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत किया। ऐसे ही पूरे मुंबई शहर में उत्तर भारतीय संघ की कम से कम 30 से 40 शाखाएँ हैं। हजारों की संख्या में लोग उत्तर भारतीय संघ से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में करीब 10-12 शाखाओं का हमारे पास प्रस्ताव है। तो आम आदमी उत्तर भारतीय संघ से जुड़ रहा है। उत्तर भारतीय संघ की जो भी आम आदमियों को जो सुविधाएं हैं, वो जब तक हम लोग वो सुविधाएं अंतिम व्यक्ति को देंगे नहीं, तब तक हमारी पूरी कार्य समिति चैन से बैठने वाली नहीं है। और हजारों की संख्या में युवा वर्ग उत्तर भारतीय संघ से जुड़ रहे हैं। लोग साधारण सदस्य बने, हमारी सदस्यता 501 रुपया है। हमको पैसा भी चाहिए, जनशक्ति भी चाहिए। यार 501 का मेंबर बन के लोग उत्तर भारतीय संघ से जुड़ रहे हैं। आप सभी को मैं आह्वान करता हूँ, आज गुड़ी पड़वा है, आप उत्तर भारतीय संघ का साधारण सदस्य बनिए, ट्रस्टी बनिए। और ये समाज की संस्था है, आप जितना जुड़ेंगे, संतोष सिंह जी का हाथ मजबूत करिए, हम आम आदमी तक आपको सुविधाएं पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे। हमारे साथ शिवसेना के उपनेता हैं माननीय विनोद घोसाटकर जी, माडा के सभापति जी भी हैं यहाँ पे उपस्थित है। हम उनसे जानना चाहते हैं, सर आज यहाँ पे आए हैं, उत्तर भारतीय संघ का कार्यक्रम है, हो गया है, और उसके लिए मैं सारे संतोष सिंह और उनके सारे उत्तर भारतीय लोगों को मैं शुभेच्छा देता हूँ। भारी संख्या में कैंसर पीड़ितों के लिए वहाँ पे एक भवन बना रहे, सुविधा जहाँ पे उपलब्ध हो जाए, जो गरीब लोग हैं उपचार कराने आते हैं मुंबई में, उनको कम रेट में वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की जाए, उसके बारे में क्या कहना है? पहले तो आज जैसे कि हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, नवरात्रि का भी पहला दिन है, तो सबको बधाई, और गुड़ी पड़वा का भी आज पर्व है, उस पर भी सबको बधाई। आपने पहले तो मैं हेमंत पांडे जी, इंद्रमणि दुबे अंकल और डॉक्टर किशोर सिंह अंकल जो बोरेवली के ही हैं, इनका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। बाकी भी जो बोरेवली के लोग हैं कि उन्होंने आके ये छोटा कार्यक्रम जो हमारे लिए रखा, मैं उनका हरदम ऋणी रहूँगा। जैसे कि बात गेस्ट हाउस की हुई, हम बहुत ही जल्द एक आध महीने के अंदर उसका ओपनिंग हो जाएगा, और नॉमिनल रेट पे जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, MP और महाराष्ट्र के कोने
के गांव से भी आने वाले, अब हम उत्तर भारतीय लोग अब खाली लेना नहीं जानते, अब हम देना भी जानते हैं। हम महाराष्ट्र के कोने से आए हुए लोगों को हम यहां पे गेस्ट हाउस भी उनको मुहैया कराएंगे कि वो लोग भी यहां पे ले। तो अब हमें मतलब कि अपना यहां का नागरिक समझे हमें भी सब लोग, और हम पूरे तय दिल से हम जो उनका कल्चर है उसको एकदम अपनाने को तैयार हैं। आज यहाँ पे सत्कार समारोह रखा गया है आपके तरफ से संतोष सिंह का, क्या कहना है? मैं इतना ही कहूँगा, आज बोरीवली शाखा का मैं सेकेंड टर्म अध्यक्ष हूँ, लेकिन जब स्वर्गीय आर्यन सिंह ने जो काम किया है, आज उत्तर भारतीय के पहचान उत्तर भारतीय संघ देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए युवा अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह ने जो कमान संभाली है, और हमारा दायित्व यही बनता है कि बोरीवली शाखा के तरफ से हम उनका सम्मान का कार्यक्रम इसलिए रखें कि उनकी जो सोच है वो ये बताती है कि उत्तर भारतीय 50 लाख से ज़्यादा बंबई शहर में बसते हैं, और आज जो पॉलिटिकल है, घोसालकर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि एक नंबर गणपत पाटिल नगर है, काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारतीय बिहारी लोग रहते हैं, उनकी बहू वहाँ से चुन के उनका बेटा चुन के, क्यों? अगर उत्तर भारतीय अगर किसी से हट जाए तो बहुत सारा इफेक्ट होता है। उत्तर भारतीय आज ऐसा है कि बम्बई जैसे शहर में एक की रोल ऐसा निभाने वाले, आने वाले चुनाव में भी मैं बता रहा हूँ उत्तर भारतीयों की तादाद, जो पार्टी के साथ उत्तर भारतीय रहेगा उस पार्टी को बहुत ही बड़ा सहारा मिलने वाला है। बड़ा पवित्र दिन है गुड़ी पाड़वा, जो महाराष्ट्र की परंपरागत एक ऐसा त्यौहार है, और हिंदू धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए आज हमारा नया साल है। मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ, और हमारी जो परंपरा है परंपरा कायम रहे, चाहे प्रभु रामचंद्र जी की परंपरा रही हो, चाहे संतों की परंपरा रही हो, चाहे हम लोगों का महाराष्ट्र से अपना संबंध रहा हो, ये हमेशा ईश्वर से प्रार्थना बनी रहे। और स्वर्गीय आर्यन सिंह की परंपरा को लेकर के समाज के लोगों ने उनके पुत्र संतोष सिंह ऊपर दायित्व सौंपा है, और आज उनका यहाँ सम्मान हो रहा है, और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि संतोष जो है वो किसी को असंतोष नहीं आने देगा, वो पूरा काम करेगा। मेरी बधाई।